वॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक शेयर है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर भी आ रही है। भला अलग अलग एनालिस्ट ने उसके बारे में कुछ अलग अलग टारगेट फिक्स करे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पिछले कुछ सालों से कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तो इस वजह से उस पर भी इफेक्ट आया है। बट कहीं ना कहीं इस शेयर में हम बहती गंगा में हाथ धोना जिसे कहते हैं, पूरी गंगा को तो हम समेट नहीं सकते, बट हाँ उसमें से एक लोटा भर पानी की तरह, मतलब थोड़ा सा तो हिस्सा प्रॉफिट ले सकते हैं उस बहती हुई गंगा में। वो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट उठा सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ऐसे ही हम शेयर के बारे में बात करने वाले हो शेयर के। तो उससे पहले कि हम शेयर के बारे में बात करें, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हर एक वीडियो को लाइक करिए। और बहुत सारी वीडियोस हमने डाली है तो उसे आप देख सकते हैं। तो आइए शेयर पर हम सीधे जाते हैं। तो शेयर का नाम है अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड। तो इस शेयर का आज का परफॉर्मेंस देख लीजिए, लगभग 6.95 पॉइंट्स की जंप, मतलब 10.77%, मतलब 10% आज भी भागा है ये शेयर। इसके अलावा पिछले ये 5 दिन पहले का देख लेते हैं, 10 अगस्त को, 4 दिन पहले ये शेयर 59 का हुआ करता था, 71, जैसे कि मैंने बताया ही है 71 का शेयर है, ज़्यादा कुछ बड़ी कीमत भी नहीं है। 1 महीने का भी परफॉर्मेंस देख ले तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और 6 मंथ का हम देख लेते हैं, क्योंकि कोविड से पहले का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो कोविड से पहले ये शेयर लगभग लगभग 100 रुपये के आसपास चल रहा था, बट कोविड आया तो ये शेयर गिरा और ये 39 रुपीज़ के आसपास 1 अप्रैल को, 39-38 को आपको अप्रैल में जाता हुआ दिखा है। मैक्सिमम बात करें तो कुछ अच्छा इसका चार्ट पैटर्न नहीं है, ऊपर जाता नीचे जाता हुआ, वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा देखी गई है। ओके, चार्ट पैटर्न के मामले में ये शेयर हमें अच्छा नहीं दिखाई देता है। ओके, बट हम आज फिर भी इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं। आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। देखिए तो ये यहाँ पर 52 वीक लो की बात करते हैं, 3 अप्रैल को 37.05 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था, और 52 वीक हाई की बात करें तो 23 सितंबर को 128 रुपये का। इसके अलावा यहाँ पर डिलीवरी की बात की जाए तो 31.27% की डिलीवरीज आज उठाई गई है। एक बार रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आपको हमेशा ही इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपको चल दिख रहा है कि चल ही नहीं रहा है कुछ पिछले कुछ सालों से, तो आपको मोस्टली लॉन्ग पीरियड में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सब रेड में दिखाई दे रहा है, सब आपको प्रॉफिट डिक्रीज दिखाई दे रहा है। बट हम पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो 1 डे में आज ही जैसे कि मैंने अबाउट 10% का प्रॉफिट, 1 वीक में 20% का, 1 वीक मंथ में 15, और 3 मंथ्स में लगभग 20-21% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, 54.48% की, मतलब 0.15% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है 1.76% से 3.7%। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है और इंश्योरेंस ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है, बट अदर DIIs और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो कुछ खास अच्छा नहीं है। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस इतना है कि ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा भाग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आई है, तो शायद आप इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसकी एक बार बैलेंस शीट की तरफ। तो ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं रिजर्व्स हर साल। पहले 1586 करोड़ रुपए, फिर 1629, फिर 1832, फिर 2071, और अभी लगभग लगभग 2458 करोड़ रुपए के इसके पास रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए तो डेट के मामले में ये डिक्रीज आपको दिखाई दे रहा है। पिछले साल इनके पास 730 करोड़ का लोन था, डेट था, और अभी केवल 353.87 करोड़ रुपीज़ का लोन, मतलब लोन डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए तो कैश एंड बैंक बैलेंस इनका कुछ खास, क्या आप जैसे देख रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस 291.11% करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, जो कि बढ़ते हुए स्तर पे है। पिछले साल 54 करोड़ रुपीज़ का था, 54 का, और अभी 29.11 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो बैलेंस शीट के मामले में मैंने 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है,
ओके, इनके पास डेट जरूर है, बट डेट भी घटते हुए स्तर पे है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ न्यूज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। न्यूज़ ये है कि अभी इनका जो रिजल्ट आया था, लगभग लगभग उनके 6% की इसमें प्रॉफिट में का जंप हुआ था। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए करंट ब्रोकरेज प्राइस टारगेट सजेस्ट अप टू 118% अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने 118% तक के इसमें रिटर्न अपसाइड दिखाए, पोटेंशियल इसमें देखा है कि इतना हमें रिटर्न मिल सकता है, इतना इस उन्होंने इस तरीके का टारगेट रखा हुआ है। तो देखिए HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने हैज़ अ प्राइस टारगेट ऑफ 141, मतलब 144 रुपीज़ का, जो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 71 रुपीज़ का चल रहा है, तो लगभग उन्होंने 141 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर सेट किया है। तो कॉटेक सिक्योरिटीज़ ने 130 रुपीज़ का, आनंद राठी ने 127 का, और JM फाइनेंशियल ने हैज़ अ प्राइस टारगेट ऑफ 100 रुपीज़ का, अदर प्राइस टारगेट 82-85। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल यही था कि अभी इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हमें इससे ज़्यादा नॉलेज है, तो इन्होंने भी इनके टारगेट सेट किए हुए, अभी ये केवल 71 रुपीज़ का चल रहा है। अगर आप अभी भी इसमें, जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपको 10% 20% का भी प्रॉफिट हो जाता है, ये 140 नहीं कहूँगा, 140 नहीं कहूँगा कि 140 तक पहुँच जाएगा, आई विल नॉट से कि 130 तक पहुँच जाएगा या 120 तक, बट अगर 100 भी पहुँच गया तो लगभग आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 30-40% का प्रॉफिट आपको निकल जाएगा। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ और थी कि शायद कल प्रधानमंत्री जो हमारे इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पैकेज अनाउंस करने वाले हैं, तो ऐसी खबर आई है कि 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पैकेज यहाँ पर घोषित करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस शेयर में और बड़ी रैली आ जाए और आपको ये भागता हुआ नजर आए, तो ये फिर उसके लिए 140 तक आने में कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कोई जो बड़ा शेयर नहीं है, काफ़ी महंगा शेयर नहीं है, आप अगर चाहे, और ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक साथ 10,000 20,000 50,000 आप इसमें लगा दो, 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी एज पर योर कैपेसिटी, हज 500 रुपये 1,000 रुपये 1,500 2,000 3,000 जो भी है उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर अच्छा हो जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, और लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया है, सब कुछ नेगेटिव में दिखाई दे रहा है जो कि आपके सामने है, पर शॉर्ट टर्म में शायद आपको अच्छा पैसा यहाँ पर अर्न हो जाए। तो आप इसकी तरफ सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ये वीडियो का मकसद था मेरा बनाने का कि छोटे से टाइम में आपको एक अच्छा सा पैसा, अच्छा सा रिटर्न आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, और सबके साथ आप शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।